के लिए। तो नए सालों में हम लोग चाहते हैं कि सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले, क्योंकि नया साल एक साल के बाद ही आता है, घूमने का मौका मिलता है। तो सब लोग इसमें जितने कौम हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक साथ मिल के सेलिब्रेशन करें। को बहुत मज़ा आएगा। मुंगेर आने के बाद सैलानी अगर आते हैं जयप्रकाश उद्यान, कंपनी गार्डन, तो इससे ज़्यादा आनंद हमको लगता है यहाँ के दो चार पाँच जिला में नहीं मिलने वाला। नए साल पर लोग जहाँ बाहर घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में कई लोग पिकनिक मनाने के लिए और मनोरंजन के साधन के लिए पार्क में भी जाते हैं। बता दें कि मुंगेर किला परिसर स्थित एक दूसरे से सटा कंपनी गार्डन, जयप्रकाश उद्यान और राजा रानी तालाब एक बेहतर विकल्प बन चुका है। कंपनी गार्डन में जहां बच्चों के मनोरंजन के लिए चीज़ों को नगर निगम ने लगाया है, वहीं बेहतर लाइटिंग और हरियाली का अद्भुत छटा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर वन विभाग की ओर से संचालित जयप्रकाश उद्यान में प्राकृतिक हरियाली का आनंद लोग उठा रहे हैं। वहीं परिवार के साथ यहां पर लोग पिकनिक मनाने के लिए अब पहुंचने लगे हैं। यहां की हरियाली और फूल पौधों की सजावट सभी का ध्यान खींच रही है। इसी के साथ यहां पर सजा रानी तालाब लोग घूमने के लिए पहुंचने लगे हैं। बता दें कि अब परिवार और बच्चों के साथ लोग वोटिंग का भी पूरा आनंद ले रहे हैं, जहाँ चार वोटों के माध्यम से लोगों को नौका विहार का आनंद मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना। बहुत बढ़िया है, नए साल का स्वागत के लिए कंपनी गार्डन, जयप्रकाश उद्यान बहुत अच्छी तरह से तैयार है। प्रशासन के लोग और सिविल के लोग, हम लोग जैसा समाजसेवी लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें। इसकी तैयारी और इसका बहुत बढ़िया से सफलता के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? पार्क में घूमने का सुविधा है, नाश्ता पानी का भी सुविधा है, झूला झूलने का भी सुविधा है, और थोड़ा पानी वानी में मजा लेने के लिए बैलून उलून भी लग रहा है कुछ उस तरह का, सारे जेटी और ये सब कुछ, बोटिंग वोटिंग भी कुछ थोड़ा बहुत का इंतजाम है, जितना संभव हो सकता है मजा ले सकते हैं। सैलानी को बहुत मजा आएगा। मुंगेर आने के बाद सैलानी अगर आते हैं जयप्रकाश उद्यान, कंपनी गार्डन, तो इससे ज़्यादा आनंद हमको लगता है यहाँ के दो चार पाँच जिला में नहीं मिलने वाला। क्या नाम है आपका? शिवदयाल यादव। नया सालों में सबसे पहले बात है कि अपने और पराए को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, और अच्छे से आज हमारे ये पार्क में घूमने का अच्छा एक माहौल बना है, जिसमें कि बोट सिस्टम भी लगा हुआ है। पहले दो बोट था, अभी चार बोट हम लोग को मिल रहा है घूमने के लिए। तो नए सालों में हम लोग चाहते हैं कि सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले, क्योंकि नया साल एक साल के बाद ही आता है, घूमने का मौका मिलता है। तो सब लोग इसमें जितने कौम हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक साथ मिल के सेलिब्रेशन करें, बस यही हमारा कहना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्की कुमार हुआ।